सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी से पहले आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का शुभारंभ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अकबेलपुर में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों संग संवाद किया गया और इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आजमगढ़ का तो भाग्योदय हुआ है, भोजपुरी के अच्छे कलाकार को आपने अपना सांसद बनाया है, तो विकास आपके यहां तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा? अभी हम इसके बाद विश्वविद्यालय का ही निरीक्षण करने जा रहे हैं और बहुत शीघ्र जनवरी माह में उसका निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भव्य उद्घाटन की भी तैयारी करने जा रहे हैं। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा? कोई सोचता था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जाएगी और आजमगढ़ की पूरी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ करेगी? कोई सोचता था कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय भी बनेगा? और कोई सोचता था कि यहां पे 1,09,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा? कोई सोचता था 7 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी आपके इस जनपद में होंगे? भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं पंच प्रणों की बात की थी। हम भारतीयों का संकल्प होना चाहिए कि मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो, क्योंकि हमारा देश जब दुनिया की एक ताकत बनेगा तो सबसे पहले ताकत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आतंकवाद को, नक्सलवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, इन सबको समाप्त करना होगा। हर नागरिक का दायित्व बनना चाहिए, हर चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर गरीब हर वंचित की सुनवाई होनी चाहिए, शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हम लोग जाति के नाम पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है, उस गरीब को योजना का लाभ मिलना चाहिए। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है, जो जिस क्षेत्र में है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई है। तो आने वाले समय में अब 100% सिचुएशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस दृष्टि से यह संकल्प यात्रा गांव गांव जा रही है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 536 वीडियो बैंक हर जनपद में चल रहे हैं। आपका आह्वान करता हूं कि मोदी गारंटी बैंक जहां भी जाए प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी है, मोदी गारंटी हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है, मोदी गारंटी प्रदेश और देश की समृद्धि की गारंटी है, हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है।